कॉलेज एग्जाम्स के बारे में यूजीसी का नया बयान। राज्य सरकारें जनरल प्रमोशन की घोषणा कर सकती है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कविता इज एयर पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नई दिल्ली, दिल्ली राज्य की अरविंद केजरीवाल सरकार ने यूजीसी के निर्देशों को मानने से इनकार करते हुए यूनिवर्सिटी ऑब्लिक कॉलेज एग्जाम नहीं कराने का फैसला लिया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूजीसी के निर्देश के खिलाफ जनरल प्रमोशन की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी सहित कई संगठनों ने जनरल प्रमोशन की मांग की है। यूजीसी पर पुनर्विचार के लिए दबाव है। इसके बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया बयान जारी किया है। सभी यूनिवर्सिटी हमारी गाइडलाइन मानने के लिए बाध्य है। यूजीसी विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक बार से जरूरी करार देते हुए इसे छात्रों के व्यापक हित में बताया है। ऐसे में राज्य परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला लेने से पहले छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन करें। वहीं परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन पर यूजीसी का कहना है कि आयोग के रेगुलेशन के तहत सभी विश्वविद्यालय उसे मानने के लिए बाध्य है। हालांकि ये विवाद का समय नहीं है। सभी विश्वविद्यालयों को तय गाइडलाइन के तहत परीक्षाएं करानी चाहिए। स्टूडेंट्स को कोरोना संक्रमण से बचाने हेतु नियमों में काफी परिवर्तन कर चुके हैं। यूजीसी आयोग के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उन्होंने सभी राज्यों को परीक्षाओं को लेकर जारी गाइडलाइन और उसे कराने के लिए तय किए गए मानकों का ब्यौरा भेज दिया है। फिर भी यदि विश्वविद्यालयों को किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भ्रम है तो वह संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक परीक्षाओं की बात है तो कोरोना संकट के चलते वह पहले से ही इसे लेकर विश्वविद्यालयों को काफ़ी सहूलियतें दे चुके हैं। इसमें वह ऑनलाइन और ऑफलाइन किसी भी तरीके से करा सकते हैं, जिसमें वह ओपन बुक एग्जाम, MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे परीक्षा के तरीके भी अपना सकते हैं। भारत सरकार भी परीक्षा कराने के पक्ष में। यूजीसी सूत्रों की माने तो आयोग ने विवाद के बीच उन कानूनी पहलुओं को भी खंगालना शुरू कर दिया है जिसके दायरे में सभी विश्वविद्यालय आते हैं। हालांकि यूजीसी के जुड़े अधिकारियों का कहना है कि वह इस विवाद में नहीं पड़ना चाहते हैं। वैसे भी इसे लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्रालय भी राज्यों के साथ इस मुद्दे पर जल्द चर्चा कर सकता है। छात्रों के हितों और शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं जरूरी। उनका कहना है कि कोरोना के इस संकट काल में भी दुनिया का कोई विश्वविद्यालय या उच्च शैक्षणिक संस्थान बगैर परीक्षा या असेसमेंट के सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। ये ऐसे में यदि भारतीय विश्वविद्यालय ऐसा करते हैं तो इसका असर उनकी वैश्विक साख पर भी पड़ेगी। साथ ही जो भारतीय छात्र अपनी डिग्रियों या सर्टिफिकेट को लेकर नौकरियों के लिए जाएंगे उन्हें भी इस चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। यूजीसी देश में विश्वविद्यालयों की सबसे बड़ी नियामक संस्था है। सभी डिग्री कोर्स इसकी मंजूरी के बाद ही मान्य होते हैं। इसके साथ ही सभी विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक और शोध से जुड़ी गतिविधियों को संचालित करने के लिए ये वित्तीय मदद भी देती है। So I hope you will appreciate this effort.